मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में चोरी हुए 4 महीने के बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। जयपुर पुलिस पिछले 2 दिनों से करीब 2 दर्जन से अधिक संदिग्धों से पूछताछ कर चुकी है। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं पूरा परिवार सदमे में है। 4 महीने के बच्चे के परिजन हर कुछ घंटों बाद एसएमएस के थाने पहुंचकर अपने बच्चों के बारे में पुलिस कर्मियों से पूछ रहे हैं। दूसरी ओर 4 महीने के दिव्यांश की मां ने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मां का कहना है कि जब तक उसका बच्चा उसकी गोद में नहीं आ जाता तब तक वह भोजन नहीं करेगी। आपको बता दूं, जयपुर के एसएमएस अस्पताल के बांगड़ परिसर में 3 अगस्त की शाम 5 बजे बच्चा चोरी की घटना हुई थी। एक युवक नवजात को चुरा ले गया था और अब पुलिस ने अज्ञात युवक पर इनाम की घोषणा की है। बच्चा चोर युवक पर 5,000 रुपए इनाम की घोषणा पुलिस ने की है। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही वह चोर है। अगर यह संदिग्ध कहीं पर भी दिखे तो पुलिस को इसकी सूचना जरूर दे। दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान के 20 जिलों में गायों में लंपी वायरल फैल चुका है। जयपुर के हिंगोलिया गौशाला में भी 164 गायें लंपी से शिकार हो गई है। आपको बता दूं, इस गौशाला में करीब 15,000 गायें और गोवंश हमेशा रहते हैं। ऐसे में यहां पर खतरा बड़ा हो सकता है। वहीं लंपी वायरल बीमारी के दौरान दवाओं का संकट भी खड़ा हो गया है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि इस गौशाला संभालने वाले श्री कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट ने सीएम अशोक गहलोत को हेरिटेज नगर निगम जयपुर के कमिश्नर को लेटर लिखा है। वहीं देखिए, लंपी स्किन बीमारी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उच्च स्तरीय बैठक की। दिल्ली से वीसी के माध्यम से सीएम गहलोत ने कहा है कि कोरोना की तरह यह बीमारी पशुओं के लिए काफी खतरनाक है। सीएम गहलोत ने प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित जिलों का दौरा करने का निर्देश दिया है। पशुपालकों की सरकारी तौर पर मदद का भी आश्वासन सीएम गहलोत ने दिया है। आपको बता दूं, इस बीमारी के कारण कई पशुपालकों पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि राजस्थान में इस बीमारी से 5,000 से अधिक गोवंश की मौत हो गई है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के 15 लाख लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब दिव्यांग, बुजुर्ग, विधवा व सिलिकोसिस से बीमार व्यक्ति को ई मित्र केंद्र या फिर कियोस्क पर नहीं जाना पड़ेगा। उनका हर काम घर बैठे होगा। यहां तक कि ई मित्र संचालक खुद घर पर आकर उनके सारे काम पूरे करेंगे। और बड़ी बात यह है, इस सुविधा के लिए व्यक्ति से कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। देखिए, प्रदेश में लाखों सीनियर सिटीजन है, दिव्यांग, विधवा व सिलिकोसिस पीड़ित मरीज है। पेंशन वेरिफिकेशन, राशन कार्ड के नाम जुड़वाने, जाति मूल निवास, पेंशन, पालनहार योजना के नाम जुड़वाने जैसे 10 से ज्यादा काम जिन्हें करने के लिए इन लोगों को ई मित्र तक जाना जरूरी होता था, घंटों कतार में लगना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बजट में घोषणा के मुताबिक अब सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना शुरू की है, जिसमें यह सेवाएं इन कैटेगरी के लोगों को बिल्कुल फ्री और घर बैठे उपलब्ध करवाने का निर्णय किया गया है। देखिए, आपको बता दूं, इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करना होगा। कॉल करके अपनी जानकारी और ई मित्र के जरिए क्या काम है उसके बारे में बताना होगा। हालांकि यह योजना अक्टूबर तक शुरू होगी, यानी कि अक्टूबर के आसपास करीब 15,62,000 लोगों के लिए सरकार यह सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध करवाने का फैसला किया है। एक और बड़ी खबर, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका दिया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAI ने मसाज थेरेपिस्ट के 104 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 35 साल तक की उम्र के कैंडिडेट्स SAI की ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है यहां पर जाकर आपको आज यानी कि 6 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एक और बड़ी खबर, ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा के 7 जिलों में मनरेगा के कामों में घोटाले के आरोप लगाते हुए सरपंचों की कार्यशैली पर सवाल उठाने से नाराज सरपंचों ने जयपुर में महापड़ाव डाल दिया है। हालांकि इस दौरान सरपंचों के 2 गुट बंट गए। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर सरपंच मंत्री रमेश मीणा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर पूर्वी राजस्थान के कई जिलों के सरपंच मीणा के समर्थन में उतर आए हैं। सरपंच संघ महापड़ाव में सरपंचों के 2 गुट बनने से सरपंच आपस में ही भिड़ गए। मंत्री रमेश मीणा के विरोधी
और समर्थक सरपंचों के बीच हाथापाई तक हो गई। प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी खबर। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और मानसून ट्रफ लाइन भी अपने सामान्य स्थिति में है। वहीं 7 अगस्त के आसपास भी उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस तंत्र के प्रभाव से राजस्थान में करीब 15 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहने के आसार है। यानी कि 15 अगस्त तक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में थोड़े थोड़े अंतराल के बीच बारिश जारी रह सकती है। एक और बड़ी खबर, पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक पल। कॉमनवेल्थ गेम्स के 8वें दिन भारतीय रेसलर्स ने मेडल की झड़ी लगा दी। भारत के 4 रेसलर फाइनल में उतरे, जिनमें से 3 ने गोल्ड और 1 ने सिल्वर मेडल जीता है। तीनों गोल्ड सिर्फ 1 घंटे में आए। भारत के पास अब कुल 9 गोल्ड हो गए हैं। दीपक पूनिया ने पाकिस्तानी पहलवान को हराकर गोल्ड जीता, बाकी 2 गोल्ड बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने जीते। यही थी आज की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।